बुद्धिज्म में भी ब्राह्मण कई बार वर्ड यूज होता है। तो बुद्धा किसी को ब्राह्मण करके जब पुकारते हैं तो वो किसे कहते हैं, और उनके लिए वो ब्राह्मण क्या आज का वो जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, और ये जो ऋषि हम लोग बोलते हैं बुद्धा को बुद्धा के टाइम पे, तो क्या वो ऋषि वही ऋषि है जो हम अभी सोच रहे हैं, या फिर उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी थॉट प्रोसेस कुछ और थी। क्या ये बड़ा क्वेश्चन था और हमेशा ही लोगों के दिल में रहता था कि प्राकृत पहले आई या संस्कृत पहले आई। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, पाली प्राकृत, जिसके बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रश्न होते हैं, उन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ में है नीरज बोधी सर, HOD ऑफ पाली प्राकृत, नागपुर यूनिवर्सिटी। एंड सर, वेलकम टू द शो। नमोबुद्धाय जय भीम। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि मुझे आपके साथ वार्तालाप करने के लिए एक मौका प्रदान किया। सर, सबसे पहले प्राकृत पाली, हम लोग जब बात करते हैं पाली लैंग्वेज की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये कैसे विकसित होते गई है सर? तो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी, उस कारण यहाँ के लोगों को बौद्ध धम्म की शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रयोजन से नागपुर विश्वविद्यालय ने पाली प्राकृत विभाग सन 1958 में नागपुर में शुरू किया। यहाँ पर MA पाली, उसके पश्चात MPhil पाली बुद्धिज़्म और PhD, यह प्रोग्राम शुरू किए गए। और पाली मूलतः हम लोग जानते हैं कि पाली यह भगवान बुद्ध के वचनों की भाषा है, तो जो बुद्ध वचन है वह पाली है, इस प्रकार से कहा जाता है। और आधुनिक समय में अभी इसका जो इतिहास है वह अगर हम देखेंगे तो पाली भाषा यह प्राचीन समय में मागधी भाषा के रूप में जानी जाती थी, मागधी भाषा। और यह मागधी भाषा धीरे धीरे एक जिसको कहेंगे कि विकसित होते गई, क्योंकि ये बोली भाषा थी, तो इसलिए प्राकृत का भी एक स्वरूप इसको आता है, इसकी प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा मतलब जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से निर्माण हुई, तो वह भाषा जो बोल चाल के स्वरूप में विद्यमान थी उस भाषा को प्राकृतिक कहा जाता है। तो ऐसे प्राकृत भाषा, इसलिए पाली भी यह एक प्राकृत भाषा है। तो प्राचीन समय में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं थी, जैसे शौरशैली है, पैशाची है, मागधी है, अर्धमागधी। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो बोलियाँ विद्यमान थी, तो मगध जो प्रांत है, मगध के प्रांत में या उसके आस पड़ोस में जैसे शाक्य है या काशी है या फिर अवंती है या जो गणराज्य है, लिच्छवी वगैरह बच्ची, तो इन बड़े प्रदेश में यह मागधी भाषा का प्रचलन था। सामान्य लोग जो आचार्य विद्वान है, ब्राह्मण है या और राजा है, वो उन सभी से लेकर तो सामान्य व्यक्ति तक सभी लोग जो भाषा इस्तेमाल डेली बोलचाल करते थे, में बात बोलचाल में उसका उपयोग होता था, तो वह प्राकृतिक भाषा थी, बोली थी। और इसी बोली पर जो है संस्कार करके बाद में फिर वो छंदस भाषा बनाई गई, तो जिसका प्राचीन स्वरूप है। सर, जब हम बात करते हैं प्राकृत भाषा की, तो हम लोग देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने पाली में सब कुछ बताया, और उनकी जो बोलचाल की भाषा थी, उन्होंने अपने भिक्षुओं को भी कहा कि आप जो बोलचाल की भाषा है उसी में उपदेश दे, उसी में प्रवचन दे। तो पाली उस दौरान प्रचलित हुई, सब जगह वो जाने लगी और उसके सबूत भी हमें मिलते हैं। तो मेरा ये बड़ा क्वेश्चन था और हमेशा ही लोगों के दिल में रहता था कि प्राकृत पहले आई या संस्कृत पहले आई, कौन सी पुरानी है सबसे? मैं तो यही कहूंगा कि जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है वो पहले होता है। जो कुछ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, जो विद्यमान होता है, उसी के ऊपर संस्कार करके, उसी के शब्दों को संस्कारित करके जो है फिर संस्कृत का निर्माण हुआ। तो नेचुरली जो बोलियाँ है, जो भाषा है, बोली का जो स्वरूप है वह प्राचीन है, और इसके रूप हमें दिखाई देते हैं। भले ही संस्कृत में ग्रंथ संपदा पहले आई, तो वो पूर्ण रूप से संस्कृत नहीं थी। भगवान बुद्ध के पूर्व जो संस्कारित भाषा थी, जिसमें वेदों की रचना हुई थी, उसको संस्कृत नहीं कहा जाता था, वो छांदस के रूप में थी। तो जो छंदबद्ध की गई ऐसी भाषा, जो पठन पाठन के लिए छंदबद्ध मतलब काव्य स्वरूप में जिसको
निर्माण किया गया, तो काव्य स्वरूप में उसको संस्कारित किए, जो शब्द बोली भाषा के थे उन प्रचलित शब्दों को ही संस्कारित करके उसको काव्य के माध्यम से रखने की कोशिश की गई, और इसीलिए ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ये सारे काव्य ग्रंथ हैं। अच्छा। और उसके बाद उस ब्राह्मण्यक, फिर आरण्यक, इस प्रकार के जो ग्रंथ उनके टीकाएँ ग्रंथ बनी, तो ये ग्रंथ भी छंदस में ही थे। अच्छा। और इसका जो प्रमाण है वो पाली साहित्य में भी मिलता है। ओके। कि भगवान बुद्ध ही कहते हैं कि भिक्षुओं, आप अपने अपने जो बोलचाल की जो भाषा है, बोली भाषा है, इसी में अपना उपदेश लोगों को दीजिए, छांदस में नहीं दीजिए, छांदस में नहीं, क्योंकि छांदस जो है सभी आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, वो केवल पठन पाठन के लिए, जो उस समय गुरुकुल परंपरा थी, तो जो ब्राह्मण आचार्य होते थे वह आश्रम बनाकर रहते थे, और उनके पास जो है बाकी वर्णों के जो विद्यार्थी है वह जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उनके पठन पाठन के लिए उसका इस्तेमाल होता था। अच्छा। लेकिन आम लोगों के व्यवहार में वह भाषा नहीं थी। ओके। तो इसलिए पाली भाषा, इसलिए ऋग्वेद में भी जो कुछ प्राकृतिक स्वरूप भाषा के दिखाई देते हैं, तो वह उस समय के विद्यमान बोलचाल की भाषा का ही स्वरूप था। हाँ, और फिर वही स्वरूप जो है विकसित होते होते ईस्वी सन पूर्व 6 शताब्दी में जब भगवान बुद्ध का समय आया, तो उस समय में मगध प्रांत में उसके विस्तृत एरिया में यह जनबोली विद्यमान थी, उसको मागधी कहा जाता है। ओके। तो इस प्रकार से फिर यह बोलियों का एक विस्तार जो है होते गया, और हुआ यूँ कि भगवान बुद्ध का धम्म लोगों को इतना अच्छा लगा, क्योंकि वह शिक्षाएं सरल थी और उसका अनुसार वह आचरण करते थे, तो इसी जीवन में उनको सुख की अनुभूति भी होती थी। तो अल्टीमेट मनुष्य का जो गोल है कि सुख को प्राप्त करना, सुखपूर्वक जीवन यापन करना, तो वह कैसे करे उसकी विद्या तथागत बुद्ध ने सिखाई थी, तो इसलिए वो लोगों को अपील हुआ और लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो ब्राह्मण से लेकर तो सामान्य व्यक्ति जो उस समय थे, जैसे कोई कचरा उठाने वाले या कोई नाई है, तो इस प्रकार के सभी जो व्यवसाय करने वाले लोग थे, उन सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया जी। और इसीलिए भगवान बुद्ध के समय में यह भाषा उत्तर भारत में ज़्यादा पैमाने पर फैली। ओके। और जब वह ज़्यादा पैमाने पर फैली, तो जहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षु गए, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए, वहाँ वहाँ उस भाषा का भी विस्तार होते गया। और फिर जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में ही उत्तर भारत का मैक्सिमम भाग जो है वह बौद्धमय हो चुका था, और फिर आते आते 100-200 साल पश्चात सम्राट अशोक का उदय हुआ, और सम्राट अशोक के समय में यह जो भाषा है यह विस्तृत हो गई, तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक यह भाषा का स्वरूप हमें दिखाई देता है। और इसीलिए भिक्षुओं को जब उन्होंने धम्म प्रचार के लिए भेजा, तो इस भाषा का भी विस्तार हुआ, और हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख नॉर्थ में भी उसी धम्म लिपि में है, और दक्षिण में भी उसी धम्म लिपि में है, उसी प्रकार के हैं, केवल जो हल्का सा क्षेत्रीय बदल है वह दिखाई देता है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो वह आमतौर पर एक ही भाषा का स्वरूप दिखाई देता है। तो यह जो भाषा का स्वरूप है सम्राट अशोक के समय में, इसको अशोकीय प्राकृत कहा जाता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा दायरा, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं का जब सम्मिश्रण होता है तो कुछ बदलाव उसमें आते हैं, तो वो बदलाव उस समय दिखाई देते हैं। तो यह प्रवाह जो है बोली का, वह तो रुका नहीं, वह प्रवाह निरंतर चलते रहा। तो जो मागधी भाषा बुद्ध के समय में थी, वह अपना स्वरूप बदलते हुए सम्राट अशोक के समय तक अशोकीय प्राकृत के रूप में जाने लगी। अच्छा। तो वो प्राकृतिक स्वरूप था। अच्छा। और फिर उसका भी विकास आगे जो बोलियाँ थी वह तो हुआ। अभी भगवान बुद्ध के समय, जो भगवान बुद्ध के 100 दिन पश्चात, उनके महापरिनिर्वाण के 100 दिन पश्चात जो पहली संगीति हुई, तो उसमें उनके बुद्ध वचन संग्रहित किए गए जो त्रिपिटक रूप में है, तो वह मागधी त्रिपिटक, जिसे हम कह सकते हैं, जो आज का पाली त्रिपिटक है, वह संग्रहित हुआ। तो वह मतलब बोली भाषा सबसे पहले भगवान बुद्ध के कारण मागधी जो बोली थी वह साहित्य की भाषा बनी। अच्छा। तो इसलिए वो साहित्य में आई। अगर वो भगवान बुद्ध उस भाषा में उपदेश नहीं करते और वो संगीति नहीं होती और वो साहित्य नहीं होता, तो हमें बोली भाषा का जो साहित्य है वह प्राप्त नहीं होते। तो यह एक महत्वपूर्ण जो बात है वह है। और बाद में इसका जो विकास है उसके तरफ अगर हम देखते हैं, तो ईस्वी सन पहली शताब्दी तक आते आते उसका स्वरूप और चेंज हो जाता है, तो उसका स्वरूप प्राकृत के रूप में जाना जाता है। अच्छा। इसलिए मागधी से प्राकृत। हाँ, तो मागधी से फिर वह उसका
जो स्वरूप 500 साल बाद बदला वह प्राकृत है और प्राकृत भाषा से फिर और आगे विकास होता है। तो यह जो विकास के जो जिसको कहेंगे कि एक स्टेप्स है तो चढ़ाव है जहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ तक इसके बदल हमें दिखाई देते हैं, इसके बाद इसका और दायरा चेंज हो जाता है। तो यह जो भिन्न भिन्न स्वरूप है वह बोली भाषा के ही है, बोली भाषा पर संस्कार कर कर ही साहित्य की भाषा निर्माण हुई है। और इसीलिए देखते हैं कि ईस्वी सन पूर्व तीसरी शताब्दी में वगैरह जो पाणिनि के समय में, फिर यह जो छांदस जो बुद्ध पूर्व समय में थी वह भाषा छांदस जो थी वह संस्कृत के रूप में संस्कारित की गई, उसको एक जिसको कहेंगे कि व्याकरण के स्ट्रक्चर में, व्याकरण के ढांचे में उसको डाला गया और वह जैसे एक उस एरिया में फिट हो गई। जैसे कोई तालाब होता है और तालाब में जो चारों ओर से उसको अगर मतलब बाड़ लगा दिया है, बांध लगा दिया जाए तो वो फिक्स हो जाता है तालाब, ठीक है। लेकिन जो नदी होती है वो तो बहते रहती है, तो यह बहने वाली जो नदी है वह यह प्राकृतिक भाषा है। तो यह मागधी का ही विकास है और फिर जो पहली शताब्दी तक जो प्राकृत का स्वरूप हमें दिखाई देता है वही आगे चलकर अपभ्रंश भाषाओं का स्वरूप लेती है, क्योंकि जैसे जैसे राजकीय परिस्थिति बदलती गई तो भिन्न भिन्न समय पर जैसे उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य था तो दक्षिण में सातवाहन, फिर वाकाटक, राष्ट्रकूट इनका शासन था और भिन्न भिन्न जगहों पर था, तो इस कारण जो है वहाँ पर क्षेत्रीय बोलियों का विकास हुआ और इसलिए अपभ्रंश भाषाओं का विकास होता है। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर लेंगे तो आधुनिक भाषा जो हमारी मराठी है, तो मराठी के पहले जो अपभ्रंश भाषा थी वह महारठी करके थी, महारठी से महाराष्ट्री और महाराष्ट्री से मराठी, ऐसी भाषा बनी। तो ये अपभ्रंश भाषाओं का दौर था और फिर आधुनिक समय में 1000 के पश्चात जो है आधुनिक भाषाओं का सृजन हमें दिखाई देता है। तो जो मराठी है, हिंदी है या बंगाली है, उड़िया है, गुजराती है, यह सारी जो आधुनिक भाषाएं हैं यह इस प्राकृतिक भाषाओं से ही निकली है। और इसलिए आपको देखेगा कि पाली का प्रभाव हर जगह, पाली का प्रभाव हिंदी में दिखाई देता है, पाली का बंगाली में, पाली का मराठी में। तो जब हम पाली पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे मराठी के तो शब्द इसमें है, मराठी के स्वरूप इसमें है, ठीक है। तो जो फुल स्टॉप देने की पद्धति है वह भी हिंदी में जो है वो पाली से ही आई हुई है। तो इस प्रकार से यह आधुनिक भाषाओं तक पाली का विकास हुआ है। लेकिन फिर भी हम पाली क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको 2500 साल पहले बुद्ध ने क्या सिखाया था उस समय को समझने के लिए, उनके उपदेशों को जानने के लिए हमको उस पाली का अध्ययन करना पड़ता है। तो सर हम लोग जब बात कर रहे कि छंद भाषा से ही संस्कृत बनी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उसके संस्कार करते करते उस लैंग्वेज को संस्कृत भाषा आई है। तो संस्कृत भाषा हम लोग को पहली बार कब और कहाँ ऐसे देखने मिलती है, अगर हम लोग देखा जाए कि इसका अस्तित्व कहाँ हमें ज़्यादा मतलब होने लगता है? तो शुरू में जो मैंने कहा कि ऋग्वेदों की भाषा थी छांदस थी, ऋग्वेद फिर वेदों की रचना हुई वह छांदस के स्वरूप में ही थी, और उसके बाद ब्राह्मण्यक जो है उनकी उसके ऊपर जो टीका ग्रंथ बने या उसका विस्तार से स्पष्टीकरण करने वाले जो ग्रंथ बने वो ब्राह्मण्यक थे, फिर उसके ऊपर और ग्रंथ बने वो आरण्यक थे। तो उस समय तक ये सारे छांदस के स्वरूप में ही थे। बाद में भगवान बुद्ध के पश्चात 100-150 साल पश्चात जब नंदका ये था, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले नंदका शासन था, तो उस समय पाणिनि का प्रादुर्भाव था, मतलब पाणिनि उस समय हुए थे, तो उन्होंने ग्रामर बनाया और उस ग्रामर के रूप में फिर संस्कृत का विकास हुआ। तो उसमें फिर हम आगे चलकर देखते हैं जैसे श्रुतियाँ बनी, स्मृतियाँ बनी, तो श्रुति स्मृति फिर पुराण और उपनिषद, यह जो उपनिषद वगैरह जो है यह संस्कृत के रूप में आए हैं। तो उसमें वह जो संस्कृत का जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वह हमें दिखाई देता है। और फिर महाकाव्य बाद में बने, तो महाकाव्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं, तो उसमें ग्रामेटिकल फॉर्म आता है। तो यह जो बाद में गीता वगैरह जो है यह उसी महाकाव्य बाद में फिर लिखे गए, महाकाव्य रामायण बाकी सारी चीजें महाभारत और ये सब चीजें उसमें ऐड हो गई, तो ऐड होती गई। ओके सर, इसमें हम लोग बात करते हैं कि जब मतलब बुद्धा के टाइम से पहले ऋग्वेद था और ऋग्वेद लिखा गया था छंदस भाषा में शायद, एंड गुरुकुल की परंपरा वहाँ पे थी, तो उस दौरान ये जो ऋषि मुनि हुआ करते थे
क्योंकि बुद्धिज्म में भी ब्राह्मण कई बार वर्ड यूज होता है, तो बुद्धा किसी को ब्राह्मण करके जब पुकारते हैं तो वो किसे कहते हैं, और उनके लिए वो ब्राह्मण क्या आज का वो जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, और ये जो ऋषि हम लोग बोलते हैं बुद्धा को बुद्धा के टाइम पे, तो क्या वो ऋषि वही ऋषि है जो हम अभी सोच रहे हैं, या फिर उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी थॉट प्रोसेस कुछ और थी? प्राचीन समय में भारत में दो प्रवृत्तियाँ थी, दो संस्कृतियाँ हम कहेंगे। एक जो आर्य जो आए थे तो उनकी जो एक वैदिक परंपरा थी उसको वैदिक परंपरा कहते हैं या ब्राह्मणी परंपरा कहते हैं। तो वैदिक परंपरा में जो प्रमुख थे वह ब्राह्मणी थे और उनके गुरुकुल परंपरा उन्होंने विकसित की थी। तो शिक्षा मतलब समाज को अध्ययन अध्यापन करने की जो व्यवस्था थी वह ब्राह्मणों के हाथ में थी, तो उन्होंने उस व्यवस्था को बनाए रखा। उसके लिए उन्होंने ग्रंथों की रचना की। शुरू में जो स्वरूप था वह कैसे था कि जो नैसर्गिक शक्तियाँ थी उनको देवी देवताओं का स्वरूप बनाकर उन्होंने उनको उनका पूजन करना शुरू किया। जैसे बारिश आती है या बिजली 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 कड़कड़ ये मतलब गड़गड़ा आती है बिजली के समय, तो यह स्वरूप जो है तो उसका देवता वरुण बना, इंद्र बना, ठीक है, उस प्रकार से सुबह होती है तो उषा देवी, तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी वह वायु है तो मरुत जो है, फिर वही से पवन पुत्र, फिर हनुमान, इस प्रकार से वो जो देवी देवता है मतलब नैसर्गिक जो शक्तियाँ थी उनको ही उन्होंने देवी देवताओं का स्वरूप प्रदान किया और उनकी आराधना करते ताकि उनसे हमको जो है कोई नुकसान ना हो, तो उनका उनकी आराधना करना शुरू किया। फिर हम जो खाते हैं वही हम उनको भी देना चाहिए, तो भोग देने की प्रथा आई, तो कैसे देंगे फिर, तो एक माध्यम है अग्नि, अग्नि ज्वाला ऊपर जाती है, तो जो कुछ हम यहाँ अग्नि में अगर उसको जलाते हैं तो वो ज्वाला के माध्यम से ऊपर जाती है और वो देवताओं को मिलती है, ऐसी मान्यता विकसित हुई। इस कारण यज्ञ संस्था का निर्माण हुआ और फिर यज्ञों के माध्यम से फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकांड आए, फिर बलि प्रथा आई, पशुओं को हत्या करना, पशुओं की हिंसा करना, इस प्रकार के स्वरूप आए और भिन्न भिन्न हर एक अवसर पर यज्ञ करने के प्रावधान बनाए गए और वह चलता गया, तो ये एक ब्राह्मणी संस्कृति का स्वरूप बना, ठीक है। और उन्होंने उस प्रकार से जो सामवेद यजुर्वेद है वह उन देव देवताओं की स्तुतियों के लिए ही बनाए गए, निर्माण किए गए, तो वो उस समय उन्होंने लिखा था, तो ये एक ब्राह्मणी परंपरा का प्रभाव होगा। तो उसमें भी फिर बाद में थोड़े चेंज हमें दिखाई देते हैं जिसमें गृहस्थ आश्रम, फिर वो वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है ना, चार आश्रम व्यवस्था उन्होंने बताई है, तो अंतिम जो है फिर वह संन्यास आश्रम है। तो वानप्रस्थ आश्रम मतलब तो वन में जाकर पति पत्नी के साथ रह सकते थे, लेकिन संन्यास आश्रम में वो घर द्वार सब छोड़कर वन में अकेले रहकर वो वस्त्र परिधान करके रहते थे। तो यह एक वैदिक परंपरा बनी थी और उसी प्रकार से श्रमण परंपरा थी। तो जो ब्राह्मण नहीं थे वे मैक्सिमम जो मन की शांति के लिए या आत्मिक विकास की भावना को खोजने के लिए घर से बेघर होकर वे भी सुख की इच्छा से प्रव्रजित जीवन जीते थे। तो प्राचीन समय में इस प्रकार से श्रमण संस्कृति का हमें स्वरूप दिखाई देता है। भगवान बुद्ध भी जो है यह श्रमण संस्कृति के ही प्रवाहक हैं। तो श्रमण संस्कृति जो श्रम पर आधारित थी मतलब यह अथक प्रयास करते थे सुख कैसे प्राप्त हो, या जिसके के लिए कुलपुत्र कुलीन पुत्र बोला है कि कुलपुत्र घर से बेघर होकर प्रव्रजित होकर, तो घर से बेघर होने के बाद जो वह वस्त्र धारण करते थे तो प्रव्रजित जीवन काशे वस्त्र हो या अन्य, तो यह श्रवण परंपरा है उस समय विद्यमान थी। और भगवान बुद्ध के समय में एक जिसको कहेंगे कि बौद्धिक भूचाल आया था, तो बड़े बड़े जो जिसको कहेंगे पंडित, ठीक है, तो श्रवण परंपरा में हुए थे। तो जैसे भगवान बुद्ध आलारकालम के पास गए या उदकराम बुद्ध के पास गए, ये श्रवण परंपरा के उस समय के बड़े आचार्य थे। और मक्कली गोशाल थे, पुरन काश्यप थे, संजय बेलट्टी पुत्र थे, तो यह भी श्रवण परंपराओं के थे। और उस समय आजीवक परंपरा विद्यमान थी, तो जो नग्न साधु जो रहते थे जो काया क्लेश पर विश्वास करते थे, काया क्लेश के माध्यम से सुख को प्राप्त करने की विद्या हासिल करने के लिए वे वनों में जंगलों में दरिकंदराओं में
वो भ्रमण करते थे, रहते थे और काया क्लेश करते थे। तो ये आजीवक संप्रदाय की परंपरा भी विद्यमान थी। और उसी प्रकार से जैन, जिसको निर्ग्रंथ परंपरा, भगवान बुद्ध के समय में उसको निर्ग्रंथ परंपरा कहते हैं, तो वो तीर्थंकरों की परंपरा। तो जैसे उस परंपरा में आचार्य महावीर, भगवान महावीर जो है वह 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। तो यह भी जैन परंपरा, श्रमण परंपरा ही थी। तो श्रमण परंपरा का ही एक स्वरूप, यह भी क्षत्रिय थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो थे वह भी क्षत्रिय थे। इस प्रकार से क्षत्रिय परंपरा में से यह जो बड़े एक महान आचार्य बने, तो भगवान महावीर की भी शिक्षा लोगों ने स्वीकार की, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध की शिक्षा को भी स्वीकार किया। तो केवल यही दो मान्यताएं बाद में ज़्यादा समय तक इस भारत भूमि में रही, तो इसको धर्म का स्वरूप प्राप्त किया। तो ये धर्म मतलब ये उस समय भी जो आचार्य थे उन्होंने जो अपनी शिक्षा रखी वे भी धर्म ही, अगर वे जीवित होते तो वे भी धर्म के रूप में ही होते। हाँ, तथागत बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो पैदाइश है वो किस धर्म में हुई, अगर हम कहें कि क्या वो वैदिक धर्म फॉलो करते थे उनके परिवार वाले, क्या वो सनातनी थे, जिस वजह से लोग आज कहते हैं कि बुद्ध के बारे में आप पूछ लो वो तो सनातनी थे, उनका कुल के बारे में आप पता कर लो वो तो क्षत्रिय थे, तो वो हमारे ही कुल से निकले हुए लोग हैं, तो तुम इस तरीके से लोगों का कहना होता है, तो उनके उस बैकग्राउंड पे आप अगर कुछ कुछ अपना व्यू बता पाए तो। वह एक अच्छी बात है कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, भगवान बुद्ध आपके ही हैं, हम भी कहते हैं कि वो आप ही के हैं, पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के, मनुष्य के कल्याण के ही व्यक्ति हैं। उनका मार्ग सभी लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। जो कहते हैं कि वो सनातनी थे, तो मेरा उनसे आह्वान है कि उन लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं का आचरण करना चाहिए। उनके दिए हुए मार्ग पर अगर वो चलते हैं तो उनका कल्याण होगा, केवल हमारे है कहने से नहीं होता है। ठीक है, हमारे है, हमारे है, तो हमारे पास अगर हीरा है और उस हीरे का हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हीरा किस काम का, वो तो पत्थर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप उसका, उनके शिक्षाओं का आचरण कीजिए। तो यह मान्यता है कि भगवान बुद्ध को आप हमारे ही जिसको कहेंगे कि उस वैदिक परंपरा के है या सनातनी है, हमारे है, ऐसा मानो, लेकिन उनकी शिक्षाओं का आचरण मत करो। ये तो हमें गोयनका गुरु जी के उदाहरण से दिखाई देता है, क्योंकि उनके कुल में यही शिक्षा दी जाती थी, बुद्ध की शिक्षा नहीं सुनना, उसके अनुसार आचरण नहीं करना। वो भले ही विष्णु के अवतार वो बताएंगे, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं लेंगे, तो यह जो है एक विसंगति दिखाई देती है, इसलिए उस विसंगति को छोड़ना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जो है श्रवण परंपरा के थे। उस समय जो कस्सक थे, अभी क्षत्रिय जो कस्सक, जो कृषक है, तो कस्सक को ही जो है कृषक जिसको कहा जाता है। तो यह क्षत्रिय जो है वो एक खेती शब्द आता है ना, खेती, तो खत्तीय, खत्तीय शब्द से क्षत्रिय शब्द बना है। तो खत्तीय मतलब जो क्षेत्र के रक्षण करने वाले हैं। तो यह जो गणतंत्र प्रणाली में सभी मतलब सार्वजनिक रूप से खेती करते थे, पूरे के पूरे लोग मिलकर खेती करते थे, तो ये खेती करते थे और अपने खेतों की रक्षा करते थे और उसके साथ साथ अपने परिवार की, अपने उनकी जो समूह की, वो सभी की रक्षा करते थे। तो वो रक्षक जो है वही फिर क्षत्रिय बने। तो इसलिए हमारे ये हमारे थे, हमारे नहीं थे, ये बात की है। मूल भावना यह है कि वह भारतीय मूल के, वह उसके थे और नागवंशीय जो थे, एक भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय समूह थे, उसमें एक नागवंश भी था, तो उस नागवंशीय समूह के थे, यही के थे, आदिम थे और उन्होंने कृषि का जो है विकास किया था, तो इसलिए वह क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि क्षत्रिय शुद्ध कुल से आते हैं। तो ये किस कुल में पैदा हुए यह महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी शिक्षाएं हमारे सुख के लिए जो कारणीभूत है, या जैसे कि वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह जो वर्ण बनाए गए हैं और वर्ण के कारण एक यहाँ का कोई भी कैलिबर व्यक्ति वह ऊपर के वर्ण में नहीं जा सकता, तो यह जो मनुष्य में भेदभाव करने की जो प्रवृत्ति है, उस भेदभाव करने की प्रवृत्ति को भगवान बुद्ध ने समाप्त किया कि भाई मनुष्य के रूप में सभी समान है, तो मनुष्य मात्र समान है तो भेदभाव क्यों। अगर कोई व्यक्ति जिसमें योग्यता है तो वह आचार्य बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है,
जिसमें योग्यता है वह क्षत्रिय भी बन सकता है, जिसमें शारीरिक सुदृढ़ता क्षमता है, युद्ध करने की क्षमता है वह क्षत्रिय बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ कोई भी व्यवसाय को स्वीकार करता है। ये सारे व्यवसाय हैं, पढ़ाना भी व्यवसाय है, युद्ध करना भी व्यवसाय है, उसके लिए घोड़सवारी करना, तो ये सारे, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म में जो समांतर व्यवस्था निर्माण की वह समता की व्यवस्था थी। जो धम्म लेता है वह किसी जात वर्ण का व्यक्ति नहीं रहता है, वह बौद्ध धम्म को अपनाने वाला, तो उनका एक ही जो है आइडल है वह भगवान बुद्ध। तो जो भगवान बुद्ध को मानता है वह किसी जाति धर्म को वर्ण को नहीं मानता है। इस प्रकार से समानता का जो समानता की व्यवस्था यह भारत में प्रस्थापित करने का कार्य तथागत बुद्ध ने किया। सर, ये जब हम पाली भाषा की बात करते हैं तो पाली भाषा में जो साहित्य बने वो बेसिकली कैसे बने और इनके किस प्रकार के टाइप्स होते हैं बेसिकली? पाली भाषा उस समय जो मागधी भाषा थी, तो भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक उत्तर भारत में यहाँ वहाँ घूमकर जो लोगों को उपदेश किया और सुखी जीवन का मार्ग सिखलाया, तो वह मार्ग उन्होंने बताया। और 45 वर्ष पश्चात, मतलब जब उनकी उम्र 80 साल की हुई थी, तो उन्होंने संकल्प किया वैशाली में कि अभी मैं 3 महीने बाद जो है मेरा परिनिर्वाण करूँगा, परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो उसके पश्चात वह अपना जो है आगे बढ़ते हैं वैशाली से और धीरे कुशीनगर में पहुँचते हैं और वैशाख पूर्णिमा को परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो सारे भिक्षु उस समय वहाँ नहीं थे, तो जो ज्येष्ठ भिक्षु थे संघ में वह थे महाकश्यप, स्थवीर महाकश्यप। तो वह कुशीनगर के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं होता है। तो कुशीनगर के पहले कुछ वहाँ रुकते हैं, पड़ाव उनका होता है, उनके साथ 500 भिक्षु होते हैं। तो जब वहाँ से एक आजीवक नग्न साधु जो है वह मंदारक पुष्प लेकर वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है, तो उसे वे पूछते हैं कि आप तथागत के बारे में जानते हैं क्या? तो वो कहता है कि हाँ, तथागत का परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण हुए, अभी सप्ताह बीत चुका है और वहाँ पर अब ये मंदारक पुष्प मैं वहीं से लाया हूँ। तो ऐसा जब उनको कहते हैं, तो कुछ जो भिक्षु थे वह वार्ता सुनकर रोने लगते हैं, विलाप करते हैं। तो उन कुछ जो भिक्षु थे उनमें से वे कुछ शांत थे, गंभीर थे, तो वह विलाप नहीं किए। तो वहाँ पर एक जो ज़्यादा पका हुआ नहीं था ऐसा एक भिक्षु था जिसका नाम था सुभद्र, वो कहने लगा कि भिक्षु तुम मत रो, विलाप मत करो, शोक मत करो, अच्छा हुआ तथागत गए। हाँ, अभी हमको ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करना प्रासंगिक है, ये करना प्रासंगिक नहीं है, ऐसा कहने वाला अभी कोई नहीं रहा। तो अभी हम मुक्त हो गए, अभी महाश्रमण के हम उपदेश से मुक्त हो चुके, अभी हम जैसा चाहे वैसा आचरण कर सकते हैं। तो यह बात जब महाकश्यप स्थवीर ने सुनी तो उनको बुरा लगा कि अरे, भगवान बुद्ध गए अभी सप्ताह हुआ है और अभी संघ में इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो रही है कि जैसा चाहे वैसा हम आचरण कर सकते हैं, तो यह भविष्य के लिए एक खतरा है। तो एक इशारा उनको प्राप्त हुआ, तो फिर वे जब कुशीनगर गए और ज्येष्ठ होने के कारण उन्हीं के हाथों से अंतिम संस्कार या अग्नि संस्कार जो है वह किया गया। तो जो भिक्षु वहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे, तो उनके सामने वो उन्होंने वह बात प्रस्तुत की कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं उनको हमने संग्रहित करना चाहिए, तो जरूरी है। तो फिर वहाँ पर उन्होंने 500 भिक्षुओं का चयन किया, उसमें उस समय सब अरंत भिक्षु थे, लेकिन आनंद उस समय अरंत नहीं थे, लेकिन फिर उनका भी चयन किया गया क्योंकि वे भगवान बुद्ध के सेवक के रूप में उन्होंने काफ़ी समय तक उनका साथ दिया, उनके साथ रहे, तो उस कारण उनको ज्ञान जो था तो उसका लाभ जो है वह संगीति में होना स्वाभाविक था, और इसीलिए उनको भी लिया गया। और फिर 90 दिनों पश्चात राजगुरु के वैभारगिरी पर्वत पर एक सप्तपर्णी गुहा है, तो सप्तपर्णी गुहा में फिर वह संगीति का आयोजन किया गया। राजा छत्रु ने उस संगीति के जो प्रबंध थे वह किए, सारी सुविधाएँ उन्होंने वहाँ पर मुहैया करवाई, और फिर वहाँ पर संगीति हुई। उस संगीति में
यह प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले धम्म या सबसे पहले विनय क्या है, तो सभी जो संघ है, संघ ने यह जवाब दिया कि सबसे पहले विनय का अस्तित्व आया। तो फिर विनय की शुरुआत, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया था उसी में सबसे पहले भिक्षुओं को कहा था कि भिक्षुओं जो दो अतिया है उसका सेवन करने से भिक्षुओं ने बचना चाहिए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने शिक्षा बताई, विनय बताया, विनय पहले बताया, तो फिर विनय का संगायन पहले हुआ। ओके। तो विनय में जो है उपाली प्रवीण थे, उपाली उसको सारा विनय उनको ज्ञात था, तो विनय का जो संगायन है वह उपाली स्थवीर ने किया। ठीक है। और फिर जो धम्म का, धम्म की बात आती है, जो धम्म का उपदेश है यह सारा आनंद स्थवीर इनको ज्ञात था। तो उनको पूछा गया कि कितने मतलब धर्म स्कंद है, तो कुल 84,000 जो धर्म स्कंद, उसमें से तथागत बुद्ध ने जो उपदेशित किए वो 82,000 और 2,000 सारिपुत्र मोगलान जैसे अन्य भिक्षुओं के भी उसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से 84,000 जो धम्म स्कंद है इनका सुत्त पिटक में समावेश किया गया। और इस प्रकार से सुत्त पिटक, विनय पिटक यह, और तीसरा जो उसका स्वरूप है यह वह अभिधम्म का है। तो स्वयं महाकाश्यप स्थवीर अभिधम्म में निष्णात थे, उसमें वह प्रवीण थे। और लेकिन वह अभिधम्म पिटक उस समय बना था या नहीं बना था इस बारे में संगीति अभी भी मतलब अज्ञात है, क्योंकि उसमें अभिधम्म पिटक का जो है उल्लेख नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी संगीति जो हुई 100 वर्ष पश्चात, तो वैशाली में हुई थी, उसमें भी अभिधम्म पिटक का संगायन हुआ इस प्रकार से हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं। अच्छा। जैसे कोई सूत्र पिटक का पठन, क्योंकि यह जो सूत्र है वो भानक परंपरा से विद्यमान थे, पठन पाठन की प्रक्रिया से, तो जो आचार्य थे वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उनके शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, इस प्रकार से पठन पाठन की प्रक्रिया जिसे भानक परंपरा कहते हैं इसके माध्यम से उन्होंने जीवित रखा था। तो जो सूत्र की परंपरा को पठन पाठन करते थे तो उनको सूत्र पिटक धर, फिर जो विनय की परंपरा को पालन करते थे उनको विनय धर, विनय पिटक धर कहा जाता था, और जो अभिधम्म की परंपरा को पालन करते थे उनको मातिका धर कहा जाता था। अच्छा। मातिका मतलब मातृका। तो वह परंपरा विद्यमान थी, तो इससे हम कह सकते कि अभिधम्म पिटक का भी निर्माण हुआ था। लेकिन वह भिक्षुओं की उच्च अवस्था थी, सामान्य लोगों को उसका कोई मतलब ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसका हो सकता है कि संगीति में उसका उल्लेख न किया गया, तो ये एक संभावना है। लेकिन जब वह आते आते फिर सम्राट अशोक के समय में 3री शताब्दी में जो है ईस्वीसन पूर्व की, वहाँ पर जो तीसरी संगीति हुई मोगली पुत्र 30 स्थवीर के अध्यक्षता में, तो उन्होंने सारे जो उस समय संप्रदाय बने थे, तो उन संप्रदाय को कुल 18 संप्रदाय बने थे, तो उन संप्रदायों को निरस्त करते हुए एक ही जो स्थवीरवाद है उसकी आवश्यकता उन्होंने प्रस्तुत की, और उसके लिए उन्होंने कथावत्तु नाम का एक ग्रंथ लिखा। तो ये कथावत्तु को अभिधम्म पीठक में स्थान दिया गया। अच्छा। तब पता चलता है कि अभिधम्म पीठक था। हाँ। तो जो अस्तित्व में था तभी एक ग्रंथ वहाँ पर सम्मिलित करने के बाद उसका स्वरूप अंतिम हो गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो कुल 7 ग्रंथ अभिधम्म पीठक में है, और 5 ग्रंथ जो है विनय पीठक में है, और 5 मूल ग्रंथ जो है वह सुत्त पिटक में भी है, लेकिन जो अंतिम ग्रंथ है खुद्दक निकाय, उस खुद्दक निकाय में पहला जो है दीघ निकाय, फिर मध्यम निकाय, फिर अंगुत्तर निकाय, फिर संयुक्त निकाय, और 5वां जो है वह खुद्दक निकाय है। तो इसमें फिर 15 छोटे छोटे मतलब खुदरा जिसको कहते हैं ना, खुदरा से खुद्दक शब्द है। अच्छा। तो मतलब खुद्दक से खुदरा शब्द बना है। तो खुद्दक मतलब क्षुद्रक मतलब छोटे छोटे, तो ऐसे छोटे छोटे ग्रंथों का समूह बना जो बाद में भी ऐड हुए उसमें। ओके। तो इस प्रकार से 15 ग्रंथ बने। तो यह एक स्वरूप इस तरीके से ये पूरी एक जर्नी पाली तीसरी संगीति में यह स्वरूप दिखाई देता है। ओके, ओके। और फिर यही त्रिपिटक जो है महामहेंद्र और संघमित्रा जो है भिक्षु और भिक्षुणी जो बने थे सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री, तो यह श्रीलंका लेकर गए। श्रीलंका में भी यह भानक परंपरा के रूप में कुछ समय तक रही। अच्छा। और फिर ईस्वी सन पूर्व 29 में जो है वट्टगामिनी अभय राजा जो है, तो उसके शासनकाल में
फिर वह भोज पत्र ताड़ पत्र जो है उस पर लिखा गया है। ओके। और फिर वो लिपिबद्ध हुआ, लेकिन लिपि उस समय की सिंहलिथि, लिपि सिंहलिथि लेकिन भाषा मागधी थी। ओके। तो इस प्रकार से वह बना। फिर कुछ भारतीय विद्वानों ने श्रीलंका में जाकर उसको पाली में कन्वर्ट करके भी लाया, लेकिन वह साहित्य हमें उपलब्ध नहीं होता प्राचीन, क्योंकि नालंदा या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वह नष्ट हो गई, तो सारा पाली का साहित्य भी नष्ट हो गया, और इस कारण आधुनिक समय में कुछ भी। अच्छा, तो मतलब पहली दूसरी संगति तक ये भानक पद्धति ही थी। तीसरी संगति में भी थी। तीसरी में भी थी, लिखित में नहीं हुआ था। हाँ, लिखित में नहीं। तीसरी के बाद लिखित में आया। हाँ। ओके। तब जाके वो ताम्रपत्र में लिखा गया, और जब वो भी श्रीलंका में लिखा, वो श्रीलंका में वो सिंधी क्या बोलते हैं उसे, सिंहली लिपि में लिखा गया। ओके। इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे डेवलप हुई। हाँ। ओके। सर, इसमें जो पाली भाषा का भारतीय डेवलपमेंट आपने बताया है, किस तरीके से ये टप्पो टप्पो में डेवलप होते गई है, पाली का जो हम लोग कह सकते हैं कि अंत या फिर एंड कहाँ हमें देखने मिलता है बेसिकली? तो यह जो जिसको मागधी भाषा कहते हैं हम लोग, तो भारत में जो स्थविरवाद है, तो जो स्थविरवादी परंपरा, क्योंकि दूसरी संगीति जो हुई थी, दूसरी संगीति में दो विभाजन हुए थे। हाँ। एक स्थविरवाद और एक महासांगिक। तो स्थविरवादी परंपरा में भी कुल 12 विभाजन हुए। अच्छा। और 6 विभाजन जो है वह महासांगिक में हुए थे। तो सम्राट अशोक के समय तक फिर वह 18 कुल ऐसे संप्रदाय बने थे। तो स्थविरवादी परंपरा में पाली की परंपरा को उन्होंने जीवित रखा। तो वही परंपरा जो संघमित्र या महामहेंद्र संघमित्रा स्थविरी और महामहेंद्र स्थविर, यह श्रीलंका लेकर गए थे। तो सम्राट अशोक ने जो प्रचार प्रसार किया था, तो सोन और उत्तर जो थे वह बर्मा में, जिसको आज का म्यांमार कहते हैं, तो वहाँ पर वह प्रचारक के लिए गए, तो वहाँ स्थविरवादी परंपरा स्थापित हुई। तो वहाँ पर वह पाली की परंपरा जीवित रही। जो पाली की परंपरा सिंहल में गई, तो सिंहल में भी वह पाली की परंपरा जीवित रही। लेकिन भारत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे पहली शताब्दी में सम्राट कनिष्क के समय में भी सर्वास्तिवादी, और फिर उन्हीं से जो है जो महासांगिक का जो प्रभाव फैलता गया। तो हम देखते हैं कि पहली शताब्दी में ही जो बैक्ट्रिया प्रांत है, जिसको आज का अफगानिस्तान कंधार वगैरह जो काबुल का इधर का जो प्रांत है, वह ग्रीक प्रभावित था। बराबर। तो वहाँ पर जो है महायान का प्रभाव जा रहा होगा, तो उस कारण भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनने लगी, और जो उस समय शास्त्रार्थ की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। ठीक है। तो शास्त्रार्थ किया करते थे, तो उसके लिए संस्कृत भाषा को ही प्राथमिकता दी गई। तो फिर धीरे धीरे महायानी लोगों ने भी जो है संस्कृत को स्वीकार किया, और संस्कृत भाषा में जो है उनके ग्रंथ लिखने लगे। तो इस कारण फिर पाली में लिखने की, और जो फिर स्थविरवादी परंपरा थी, यहाँ भी जो भिक्षु थे उनको शास्त्रार्थ करना होता था, इसलिए उन्होंने भी फिर संस्कृत को स्वीकार करना शुरू किया। तो कुछ आचार्य थे जिन्होंने पाली की परंपरा को जीवित रखा, लेकिन कुछ विद्वानों ने संस्कृत की परंपरा को भी स्वीकार किया, और इस कारण क्या हुआ कि जो पाली में लिखने की परंपरा थी वह कम होती गई। हम देखते कि आचार्य बुद्ध दत्त है, या आचार्य बुद्ध घोष है, या आचार्य अनिरुद्ध है, तो इन्होंने चौथी पांचवी छठी शताब्दी तक पाली की परंपरा को जीवित रखा। अच्छा। पाली में ग्रंथ संपदा उन्होंने निर्माण की, जो सिंहल में अट्टगताएं बनी थी उसको पाली में भी उन्होंने कन्वर्ट किया था। तो इस प्रकार के आचार्य थे पाली की परंपरा को मानने वाले, लेकिन जो महायानी प्रभाव जो भारत में फैला, और जगह जगह हम कहीं भी जाते हैं तो हमको भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दिखती हैं, और स्तूप की जगह बुद्ध मूर्ति की पूजा हमको दिखाई देती है, तो यह महायानी संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। अजिंठा वेरूल से लेकर कानेरी तक हमको सारा है ना। तो इस कारण जो संस्कृत है, तो संस्कृत भाषा में भी बुद्धिज्म की बहुत सारे ग्रंथों का सृजन हुआ, निर्माण हुआ। यही ग्रंथ बाद में चाइना में जाके चाइनीज भाषा में अनुवादित हुए। अच्छा। तिब्बती भाषा में अनुवादित। ओके। हाँ, इसीलिए वहाँ तिब्बतियन में संस्कृत का यूज दिखता ज्यादा। तो कुछ जैसे धम्मपद भी है, तो वो भी चाइनीज भाषा में है, तिब्बती भाषा में है, तो हमें प्राप्त होता है। तो ये ऐसे प्रज्ञा पारमिता है, प्रज्ञा शास्त्र पारमिता है, सद्धर्म पुंडरीक ग्रंथ, यह ग्रंथ जो संस्कृत में बने, तो फिर
संस्कृत का भी प्रचलन बढ़ गया। और इस कारण बाद में क्या हुआ कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने मतलब भिक्षुओं की जो मतलब हिंसा हुई, भिक्षुओं को मतलब भगाया गया विहारों से या विहारों को जलाया गया, तो उनके डर से जो है काफ़ी भिक्षु जो है चले गए। तो फिर यह पाली की जो परंपरा है, यह स्थविरवादी परंपरा जैसे विलुप्त हो गई यहाँ से, तो पाली की परंपरा भी हमें विलुप्त होते दिखाई देती है इस प्रकार से। उसी को पुनरुज्जीवित करने का कार्य आधुनिक समय में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में किया, और फिर पाली की जो परंपरा फिर से जी। अभी के समय में सर, अगर मैं पूछूं कि पाली का संरक्षण और उसका डेवलपमेंट करना, अध्ययन करना क्यों जरूरी है? हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल है। यह पाली में ग्रंथ लिखने की जो प्रवृत्ति है, यह श्रीलंका में कायम रही, उसी प्रकार से बर्मा में, सयाम, थाईलैंड को कहते हैं, थाईलैंड में भी यह रही, तो आज भी वहाँ पर पाली के ग्रंथों की रचना होती है। और 19वीं शताब्दी आते आते ये तीनों जो स्थविरवादी देश थे, इन्होंने उसको पाली के रूप में, उस मागधी भाषा को पाली के रूप में कॉमन स्वरूप दिया और पाली भाषा के नाम से उसको संबोधित करने लगे। क्योंकि तंती बुद्ध वचनं पंती पाली, ऐसा आचार्य बुद्ध घोष ने भी कहा था। अच्छा। कि जो बुद्ध वचन है वही पाली है। अच्छा। तो पालन करने वाली भाषा के रूप में फिर बुद्ध वचन को पालन जिसने किया वही पाली है। पाली। तो वो पाली का एक सर्वव्यापक स्वरूप उसको स्वीकार किया गया। तो यह पाली आधुनिक समय में, इसमें ग्रंथ संपदा हमें दिखाई देती है कि बर्मा में, थाईलैंड में या श्रीलंका में यह निर्मित होती रही। भारत में इस प्रकार से प्रयास नहीं हुए, लेकिन अनागारिक धम्मपाल, इन्होंने प्रयास किया। महाबोधि की जो अवस्था थी उसको देखकर उन्होंने जो है न्यायालयीन संघर्ष उन्होंने प्रस्थापित किया। महाबोधि सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्होंने संघर्ष किया, और उस कारण एक पार्श्वभूमि निर्माण हुई भारत में। जो बौद्ध स्थल थे, वह बौद्ध स्थल जो है वह हमको दिखाई देते हैं, इसमें महाबोधि का बड़ा योगदान है उसको आज पुनर्जीवित करने के लिए। तो वह कार्य किया, और इसी कार्य में हम देखते हैं कि आगे भिक्षु जगदीश काश्यप, फिर भदत्तानंद कौशल्य, राहुल सांकृत, इनका बड़ा योगदान है। तो इन भिक्षुओं ने पाली के लिए अपना जीवन अर्पित किया, और उन्होंने पाली के साहित्य के प्रति अपनी समर्पित भावना व्यक्त की, और उन्होंने कुछ ग्रंथों को डिवाइड किया। तो कुछ ग्रंथ इन्होंने भदत्तानंद कौशल्य ने, कुछ ग्रंथ जगदीश काश्यप ने, कुछ ग्रंथ राहुल सांकृत जी ने अनुवादित किए। और केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने नवनालंदा की स्थापना की। नवनालंदा विहार जो है उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उन्होंने नवनालंदा संस्था का निर्माण किया। आज वो डीम यूनिवर्सिटी के रूप में काम करती है। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो रोमन त्रिपिटक था वह पाली, मतलब देवनागरी भाषा में, जिसको स्क्रिप्ट कन्वर्शन कहेंगे, देवनागरी स्क्रिप्ट में लाने का कार्य किया। तो हम उसको नालंदा एडिशन कहते हैं। अच्छा। तो जब यह प्राप्त हुई है वह पहली नालंदा एडिशन देवनागरी में। अच्छा। और उसके बाद छठ संगायन जो हुआ, और छठ संगायन में जो बर्मा में होता, जहाँ बाबा साहब की बाबा साहब गए थे, तो उस छठ संगायन का जो स्वरूप है वह जो आचार्य सत्यनारायण जी गोयनका, इन्होंने विपसना विशोधन विन्यास नामक संस्था इगतपुरी में स्थापित की थी। तो उस संस्था ने उसको छपवाया और वो विना मूल्य उन्होंने जहाँ वहाँ वितरित की। तो अभी वह एडिशन, सिक्स एडिशन जो है वह इगतपुरी एडिशन के नाम से प्रसिद्ध है। और उसका इस्तेमाल एक सोर्स के रूप में किया जाता है। तो भगवान बुद्ध के इस पाली भाषा को हम क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हमको, अगर भगवान बुद्ध ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किस मार्ग को सिखाया, समझाया, उस समय की क्या सामाजिक परिस्थिति थी या क्या इतिहास रहा, इन सारी चीज़ों को अगर हमको देखना है तो हमको प्राचीन ग्रंथों को ढूंढना पड़ता है। प्राचीन स्रोत जो है, जो जो मूल स्रोत है, उसको हमको देखना पड़ता है। तो इसीलिए पाली का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि उसमें भूगोल है, उसमें वैदिक शास्त्र है, उसमें जो खेल है, हम कंचे खेलते थे बचपन में, तो कंचे खेलने का भी इतिहास वहाँ पर है, उसका भी नाम है।
जो जो बैलों की शरीयत है या मुर्गों का जो है उसका इतिहास भी हमें पाली साहित्य में मिलता है। अच्छा। तो हर व्यवसाय का प्राचीन स्वरूप इतिहास वहाँ मिलता है। अच्छा। जो जीवक जो सर्जन थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की सेवा की थी, तो उनका इतिहास, वैद्य शास्त्र का इतिहास वहाँ पर है। और भेषज स्कंदक पाली में आता है विनय पिटक में, तो औषधियाँ कैसे बनाई जाती थी, औषधि किस रोग पर कौन सी औषधि बनानी चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन वहाँ पर प्राप्त होता है। तो हर ज्ञान को अगर देखना है हमको, तो भारत में जो विद्यमान उस समय की परिस्थिति थी उसको अध्ययन करना जरूरी है। बराबर सर, अगर हम बात करें कि ये पाली ग्रंथ हमें अगर पढ़ना है, और एक्चुअल कहते हैं कि त्रिपिटक में मिलावट है, जैसे लोगों का कहना है कि संस्कृत से उसमें मिलावट आई है और बहुत सारी चीजें, तो कहाँ से और क्या पढ़ना चाहिए बेसिकली? ये तो बात सही है कि जैसे क्योंकि भाषा जो है यह अपने स्वरूप को बदलती है, और कभी कभी आचार्य भी उसमें कुछ चीज़ों का मतलब जो व्याख्यान करते हैं तो उसमें कुछ सुधार हो जाते हैं या कुछ एडिशन भी उसमें होता है, तो भाषा में भी एडिशन होता है, यह स्वीकार करना पड़ता है। और क्योंकि भाषा के स्वरूप से समझ में आता है कि इसमें कुछ एडिशन हुआ है, तो त्रिपिटक में भी बहुत सारा जो है बाद में भी आया हुआ सुधार हुआ है, या कुछ बातें जो काल्पनिक तरीके से या आई है अट्टकथाओं में वगैरह, तो ये है विद्यमान। लेकिन फिर भी श्रद्धा के भाव से हम लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, और हम देखते हैं कि जो मूल ग्रंथ है वह अभी भी, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में भी उनको वह आवश्यकता महसूस हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भिक्षुओं इन सूत्रों का अध्ययन करो, अगर तुमको जल्दी धम्म में प्रगति करनी है, धम्म को आप लोग को सीखना है, आपको धम्म में अपने को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है, तो आपको इन सूत्रों को पढ़ना पड़ेगा। ये सूत्रों को उसको भाबरू शिलालेख में उन सूत्रों का उन्होंने उल्लेख किया है। हाँ, तो उसमें सूत्रनिपात नामक जो ग्रंथ है इसमें इस ग्रंथ से चार सूत्रों को सम्मिलित किया था। तो सूत्रनिपात प्राचीन स्वरूप है, धम्मपद है, ठीक है, फिर मज्जिम निकाय है, मज्जिम निकाय को भी काफ़ी प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, तो इस प्रकार से अंगुत्तर निकाय ये सब चीज़ें लोग पढ़ सकते हैं। हाँ ओके, तो ये बड़े बड़े ग्रंथ है, इसलिए बाबा साहब ने क्या किया कि सभी लोग तो वो नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे इतना सारा, इसलिए उन्होंने जो आवश्यक चीज़ें थी उसका सार निकाल के बुद्ध ने धम्म ग्रंथ में सम्मिलित किया और वो हमारे सामने रख दिया, तो एक हमारे लिए वो दिशा दर्शक ग्रंथ है। सर बहुत ही डीप आपने नॉलेज दिया पाली के ऊपर और उसके इतिहास के ऊपर में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से हमें पाली के बारे में बताया, उसका इतिहास बताया। आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, एंड आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जय भीम।